हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10th की इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी को है और आपका आज 13 फरवरी है। अगर आप आज बस 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप इंग्लिश में कितने भी कमजोर हो, आप 70 में से 50 मार्क्स क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो सिर्फ आज रात पढ़कर। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो तरीका बताऊंगा उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा यार, इतने क्वेश्चन बताऊंगा कि आप 7-8 घंटे में आराम से तैयार कर लो। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको ऐसे ही क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। सबसे बात करेंगे सबसे पहले प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन में आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के मात्र 6 क्वेश्चन बताए हैं, जिन्हें आप तैयार कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार होने के आपके 2 फायदे हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर क्या करना है, ये 6 क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है। आपसे 1 या 1.5 घंटा लगेगा इनको रटने में, ठीक है, 1 या 1.5 घंटा लगेगा। 6 प्लस आपको रटना क्या, समझ लेना है कि आप इनके बारे में कुछ लिख लो, ठीक है। आप ये 6 क्वेश्चन तैयार कर लो, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे दिया है। साथ में आप क्या करो, प्रोस के भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2 गुणे 2 नंबर के आएंगे 2 प्लस, इनके भी मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए। अगर आप उतने क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में तैयार कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोस कर कर रहे, तो आपके प्रोस के सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात सुन लो, जैसे प्रोस में ना, जैसे यहां पर कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर लिखा है, मतलब युधिष्ठिर पार्ट से है, तो आपको ऐसे हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवॉर्डिंग हिम। अब मान लो उसमें यक्ष एंड युधिष्ठिर है, तो आप क्या करना, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, तो भी आपका अगर 4 नंबर का है तो 3 नंबर आपको श्योर मिल जाएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन आप याद, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 6 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सुन लो, आपको देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 1 to 6 चैप्टर प्रोस के शॉर्ट क्वेश्चन के दे दिए, 4 नंबर यहां से आपके हो जाएंगे। फिर आपको सप्लीमेंट्री रीडर से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री से रीडर 4, इसके भी मैंने एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट करके दिए हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ में जब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री रीडर के आपको जो पीडीएफ दें उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जिस पर टिक लगा है, ठीक है, ग्रीन पेन से, आप सिर्फ वही तैयार करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको देखो 4 नंबर, 8 नंबर आपको प्रोस से मिल गए, 4 नंबर आपको सप्लीमेंट्री रीडर से, 12 नंबर ये हो गए। अब आप क्या करो, कोई पोयम तैयार कर लो, आराम से 4 लेंगे पोयम, 4 नंबर यहाँ, 12 4 16, ट्रू फॉल्स मैंने बोला 3 चैप्टर आपके, अरे यार 3 चैप्टर का ट्रू फॉल्स याद करने मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, ठीक है, मान लो 10-10 भी होंगे तो भी 30 ट्रू फॉल्स याद करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। तो 8 4 12 4 16 4 20 नंबर यहाँ पे हो गए। फिर मैच द वर्ड, मैच द वर्ड आप तैयार कर लो, ये एकदम इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बहुत सरल भी है मैच द वर्ड, आपको इधर सही दिया रहेगा, इधर से सही मिलाना रहेगा, ठीक है, इसमें बहुत इजी है, आप बस देख लो जो चैप्टर के दिए सभी तैयार कर लो। ये 20 4 24 नंबर आप यहां से, इसमें से एक नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है, न ट्रू फॉल्स में, न पोयम में, न मैच द वर्ड में, इसमें से एक नंबर नहीं कट सकता है। फिर यहां पर आपका नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहां पर आप क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसी 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इसका भी जितने क्वेश्चन देख लो बुक में, 24 4 28 नंबर आप आराम से पा सकते हो। फिर यहां पर देखो अनसीन पैसेज, इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन मतलब गदांश की तरह दिया रहेगा, उसमें से आपको आंसर पूछेगा, वो आंसर उसी पैसेज में दिया रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आंसर को पढ़ना, फिर क्वेश्चन ढूंढना, तो आप आसानी से कर सकते हो। साथ में मैंने एक ट्रिक वीडियो नीचे बनाया है, आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, कि अनसीन पैसेज को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो 4 प्लस 6, इसमें तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है यार, ये तो क्वेश्चन पैसेज दिया रहेगा, उसी में से ढूंढ कर लिखना रहेगा। तो 10 नंबर में से 8 नंबर यहाँ पे पा सकते हो, 28 10 38 मार्क्स हो गए। फिर मैंने आपको लेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया, साथ में ये भी बता दिया आप लेटर कैसे लिखें, आधे घंटे में ये वीडियो आ जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लेटर का वीडियो देख सकते हो। तो 28 4 38 4 42 नंबर ये हो गए, प्लस आपके 6 नंबर के एसे आएंगे, एसे भी मैंने बता दिया आप कैसे लिखे, 6 नंबर आप यहां से पा सकते हैं, 42 6 48 नंबर। साथ में मैं शाम को आपको इंग्लिश ग्रामर तैयार करा दूंगा, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जितने आपके लाइव टेस्ट होंगे आप इंग्लिश ग्रामर तैयार, 10 नंबर आप इस लाइव टेस्ट से पा सकते हो। तो 48 10 58 नंबर आप इस तरीके से पा सकते हो, मान लो आपके 10 नंबर कट गए तब भी आप 50 नंबर आसानी से पा सकते हो, कुछ नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या तैयार करो, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर तैयार करो, क्वेश्चन आंसर देखो ये 6 क्वेश्चन तो रट लेना, ये 6 क्वेश्चन रट लोगे तो आप इस चैप्टर से सभी चैप्टर का मैंने ऐड कर दिया, अगर ये क्वेश्चन आप लिख देते हो शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में उस चैप्टर से, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर का 3 नंबर आसानी से मिल जाए। तो ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लो।
फिर आपको सप्लीमेंट्री डेक क्वेश्चन तैयार कर लो और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो, तो ये 12 नंबर आपको तैयार हो जाएगा। फिर आप पोयम तैयार कर लो, आपको 4 नंबर यहाँ से 16, ट्रू फॉल 16 4 20, मैच द वर्ड 24, मल्टीपल चॉइस 24 4 28 नंबर यहाँ से, अनसीन पैसेज में कुछ नहीं करना है, 10 नंबर आपको वहीं से मिलेगा। तो आप यहां से मतलब इसमें कुछ तैयार भी नहीं कर सकते हो, एक दो प्रैक्टिस कर लो करना है तो, नहीं तो अनसीन पैसेज में पैसे दिया जाएगा उसी से क्वेश्चन ढूंढकर लिखने रहता है। तो 28 10 38 हो गया, और लेटर और ऐसे यहां से 10 नंबर, ठीक है 38 10 48 मार्क्स। तो यार जो मैं दिया हूं उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर अच्छे से तैयार करो। साथ में मैं शाम को एक वीडियो लेकर आऊंगा कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। अगर आप इंग्लिश की कॉपी उस तरीके से लिखते हो तो आपके 50 आने वाले रहेंगे तो 55 हो जाएंगे, 55 आने वाले रहेंगे तो 60, क्योंकि कोई चीज को अच्छे से परोसते हो ना तो उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इंग्लिश कॉपी वैसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपसे काफी इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो शाम को आपको जो वीडियो आएगा कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे उसको जरूर देखो, और ये सब जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में इसको तैयार कर लो, और ये पोयम, ट्रू फॉल्स, मैच द वर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अनसीन पैसेज और लेटर या एसे, ये जो मैं वीडियो बनाया उसको जरूर देख लो, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेते हो तो 50 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आपको क्लास 10 कैसे वीडियोस डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।